हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से टॉक्सिक सब्सटेंसेस को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फ्रॉम विसरा, बेसिकली फॉर पॉइजन एनालिसिस। व्हाट आर द वेज टू एक्सट्रैक्ट पॉइजन फ्रॉम विसरा? तो हम यहाँ पे डिस्टिलेशन कर सकते हैं, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड, डाइजेशन मेथड, माइक्रोवेव एक्सट्रैक्शन और सब्लिमेशन। ये कुछ मेथड्स होती हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं टू एक्सट्रैक्ट पॉइजन फ्रॉम विसरा। आज के इस वीडियो में हम जो मेथड यूज़ करने वाले हैं वो है डिस्टिलेशन। हम बेसिकली स्टीम डिस्टिलेशन देखेंगे, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि किस तरीके से हम कटिंग करते हैं विसरा की, फिर उसके अंदर हम किस तरीके से उसको डिस्टिलेशन करते हैं और डिस्टिलेट्स को कलेक्ट करते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो बेसिकली डिस्टिलेशन मेथड क्या होती है? दिस मेथड इन्वॉल्व हीटिंग अ सैम्पल और अ लिक्विड टू अ वेपर विच इज़ देन अलाउड टू फ्लो टू अनदर लोकेशन वेयर इट कूल्स, दैट मीन्स कंडेंसेशन। तो हम एक सैम्पल को बॉयल करते हैं और फिर हम उसे कंडेंस करके उसमें से जो लिक्विड निकलता है जिसे हम डिस्टिलेट बोलते हैं उसमें हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं। आज के इस वीडियो में हम डबल डिस्टिलेशन यूनिट का यूज़ करके एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। स्टेप वन में हमने क्या करा, जितने भी हमारे पास में जार्स आए थे या वाइल्स, बेसिकली जब भी विसरा पैक होता है तो वो वाइल्स के अंदर या जार्स के अंदर पैक होके आता है, तो हम सारे वाइल्स को ओपन कर लेंगे। हम एक बीकर के अंदर थोड़ा थोड़ा सैंपल कट करके लेंगे। जो हमने पहला सैंपल लिया है इट इज पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन। सेकेंड सैंपल जो हम ले रहे हैं दैट इज लिवर। आप देख सकते हो कि हम सैंपल को हमने लिया विसरा को और फिर हमने उसका पार्ट जो है कट करके बेकर में ले लिया एंड द स्मॉल पार्ट इज लेफ्ट इनसाइड द जार ओनली। इसकी जो स्मेल होती है दैट इज वेरी स्टिंकिंग, सो कवर योरसेल्फ प्रॉपरली। जो कॉमनली विसरा हमें मिलते हैं दैट इज पार्ट्स ऑफ इंटेस्टाइन, लिवर, स्प्लीन, स्टमक वॉश, किडनी, तो ये सारे विसरा हमें मिलते हैं। इन सबको हमें कट करना है, एक बीकर में कलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में यू हैव टू क्लोज ऑल द जार्स टाइटली और फिर आगे की प्रोसीजर हम करेंगे। स्टेप टू पर हम आ जाते हैं। फॉर द स्टेप टू यू हैव टू डू लिटमस पेपर टेस्ट। सो होल्ड द लिटमस पेपर and then check it, dip inside the viscera, you'll see red color which indicates that the viscera contains acid. Now the step 3, pour all the viscera into the cylindrical flask. Be very careful while doing this. And now, in the step 4, you will add 20% H2SO4 solution into this. Now take the jar and fix it on the distillation unit. Now turn on both the burners and place them carefully under both the flask. Remember, they should not be too close or too far from the flask. Now, after this, step 5 is distillation, which is the most important step in which we are going to collect 3 types of liquid. So first of all, as I have told you already that what is distillation. अब होता क्या है, यहाँ पे हम तीन तरीके के डिस्टिलेट कलेक्ट करते हैं। वन इज न्यूट्रल डिस्टिलेट, सेकेंड इज एसिडिक डिस्टिलेशन हम करेंगे और तीसरी हम करेंगे बेसिक डिस्टिलेशन। सो एसिडिक डिस्टिलेशन में हम इथेनॉल, मीथेनॉल, फिनॉल, हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन, साइनाइड, इन सब के टेस्ट लगाते हैं। बेसिक डिस्टिलेशन में हम एम्फेटामीन, मेथाडोन, पायरिडीन, निकोटीन एक्सेट्रा, इन सब के टेस्ट लगाते हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम करेंगे न्यूट्रल डिस्टिलेशन जिसमें हम
जो डिस्टिलेट है वो न्यूट्रल होता है वो कलेक्ट करेंगे बाय स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस। सेकेंडली हम करने वाले हैं एसिडिक डिस्टिलेशन। एंड थर्ड हम करने वाले हैं बेसिक डिस्टिलेशन। इन तीनों डिस्टिलेशन को करने के बाद में हमें तीन डिफरेंट डिफरेंट बीकर्स में तीन डिस्टिलेट मिल जाते हैं। वन इज न्यूट्रल, सेकेंड इज एसिडिक एंड द थर्ड वन इज फॉर बेसिक। अब हम इन तीन सैंपल्स में टेस्टिंग करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल for more interesting videos. Thank you.